भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के लिए पूरा देश भावुक है। जी हाँ, ये वही लड़की है जो पहली भारतीय एथलीट जो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आने वाली बनी। जी हाँ, ये वही महिला भी है जिसको सड़कों पर भी घसीटा गया और ना जाने क्या क्या इसके खिलाफ अपमानजनक बातें कही गई, लेकिन इसने हार नहीं मानी। जीतने का जुनून लेकर वो हमेशा कभी दुनिया से लड़ती रही तो कभी रेसलर होने के नाते वो मैदान में भी लड़ती रही। इस संघर्ष भरे जीवन में विनेश फोगाट ने कभी हार नहीं मानी। बहुत बार इनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मजाल है कि वो कभी पीछे हट जाए। लेकिन अब पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। क्या रेसलर की हार के पीछे है राजनीतिक कारण? विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक के बाद बैन हुई, डिप्रेशन झेला, चोटिल भी रही, लेकिन हार नहीं मानी। पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। विनेश ने ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट में अपने एक फैसले की घोषणा भी कर दी है। उन्होंने लिखा है, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही, अब अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। वहीं भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के संघर्ष को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने एक घोषणा की है कि राज्य सरकार विनेश को ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की तरह ही सम्मान और इनाम देगी। यह घोषणा विनेश के कुश्ती से संन्यास लेने के ऐलान के बाद दिया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के संन्यास की घोषणा से पहले बुधवार रात को अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील भी दायर की थी। उन्होंने कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की थी कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। इससे पहले विनेश ने फाइनल खेलने की भी मांग की थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी अपील बदलकर संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की है। 7 अगस्त को विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। विनेश ने अपने डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कहा कि किस्मत खराब थी, हमें मेडल से चूक गए, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। वहीं इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से कहा था कि वे रेसलर की मदद के तरीके तलाशें। पीएम मोदी ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने को भी कहा था। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय ओलंपिक टीम के डॉक्टर दिनेशो पोरीवाला ने बताया कि विनेश और उनके कोच को 6 अगस्त की रात ही उनके ज्यादा वजन के बारे में पता चल गया था। इसके बाद विनेश पूरी रात नहीं सोई और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रही। डॉक्टर ने यह भी बताया कि विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट लिए थे, उनके कपड़े भी छोटे कर दिए गए थे, इसके बावजूद उनका वजन नहीं घट पाया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा, यह बेहद खेदजनक है कि विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम कैटेगरी में अयोग्य घोषित कर दिया गया, रात भर की कोशिशों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम के कुछ ग्राम अधिक पाया गया। हम विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं, ऐसा कहा गया है, और भारतीय दल आगे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हम आने वाले प्रतियोगिता पर फोकस करना चाहेंगे। विनेश ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई है। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को हराया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने यूक्रेन की ओक्साना लिवाना और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की युई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। विनेश का यह तीसरा ओलंपिक है। 2016 के रियो ओलंपिक में वह क्वार्टर से चोट के कारण बाहर हो गई थी। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में वह क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर हार गई थी। ओलंपिक तक पहुंचने की उनकी ये लड़ाई काफी पहले शुरू हो गई थी, जब 2020 टोक्यो ओलंपिक के बाद विनेश को बैन कर दिया गया था। तब इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था, हमने खोटा सिक्का भेजा था। बाद में पहलवानों और ब्रजभूषण के बीच लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। इस बीच बैन से दुखी विनेश तानों से परेशान होकर डिप्रेशन में चली गई थी। साइकोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने कहा कि अगर कुश्ती नहीं छोड़ी तो परेशानी बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन विनेश नहीं रुकी, कुश्ती लड़ती रही और तीसरे ओलंपिक में अपनी जगह बनाई। विनेश फोगाट का संन्यास भारतीय कुश्ती के लिए एक बड़ा झटका है। उनके संन्यास के बाद भारतीय कुश्ती में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है, जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।